हेलो, अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आज हम गेम वगैरह नहीं खेलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि आप मोड को डाउनलोड करके GTA 5 मोड से तो उसको गेम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं जी। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। पहले आपने रिफ़्रेश करें, कंप्यूटर पे जाके डाउनलोड करें। मैंने अब किया है कि BMW S1000RR, ये मैंने मोटरसाइकिल की। अब इसको आपने एक्सट्रैक्ट फाइल पे जाके यहीं पे आ जाए, डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पे कर सकते हैं आप। तो डेस्कटॉप पे आ गया है जी, ये आ गया फाइल इसकी, तो BS17 DLCRPF, ये इसकी फाइल आ चुकी है। ये आपने ओपन ही रखना है, इसको यहाँ से पॉज कर देना है आपने, रिफ़्रेश करके ओपन IVO को ओपन करना है आपने। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी विंडोज़ पे जाके तो रिमेंबर दिस थिंग दैट आपने एडिट मोड को जो है वो ओपन कर लेना है आपने। तो ये मोड फोल्डर है जो आपने पहले से बनाया हुआ होगा अपनी गेम में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मोड है, ये पहले बनाना पड़ता है, न्यू फोल्डर बना के आपने इसके ऊपर मोड लिखना है। तो ये अपडेट है, अपडेट फोल्डर को इसके अंदर कॉपी कर देना है। ये कॉपी हो गया, मोड फोल्डर के अंदर आपने अपडेट को कॉपी करना है। तो ये पहले से बना हुआ होगा आपका, तो यहाँ पे ये ओपन IV में आ जाएगा आपका मोड फोल्डर, अपडेट X64 DLC पैक। ये ओपन करके आपने यहाँ से आपने BS17 को यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके अंदर, DLC पैक के अंदर। तो ये आपका ये आ गया BS17, ये आपका आ गया। आगे फिर आपने यहाँ पे आपकी फाइल पड़ी होगी BMW RR की, 1000 RR की, उस पर जाके आपने रीड मी तो ये लिखा होगा। ये चीज़ आपने ये चीज़ कॉपी करनी, बड़े ध्यान से करनी है, थोड़ी सी भी गलती होगी तो मोड आपका इंस्टॉल नहीं होगा। तो यहाँ से कॉपी कर लें आप, इसको भी क्लोज़ कर लें, ये भी क्लोज़ कर लें। पहले X64 में DLC पैक में जाके इसकी जो फाइल है वो रखी है हमने, तो ये पड़ी हुई है BS17। उसके बाद आपने अपडेट RPF पे जाके, कॉमन पे जाके डाटा, तो ये DLC list XML, इसको आपने डायरेक्ट जो है ओपन नहीं करना, आपने मोड इंस्टॉल नहीं होगा ऐसे। तो आपने इसको राइट क्लिक करके एडिट पे करना है। तो ये ईवो एवोल्यूशन 10 मैंने अभी किया रिसेंटली, तो इस पे आपने जाके यहाँ पे क्लिक करके आपने इंटर दबाना है। तो जो चीज़ आपने कॉपी की होगी वो नाम इसका BMW S1000RR का, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपने अब इसको सेव कर देना है यहाँ से। तो ये अब मोड आपके इंस्टॉल हो गया। तो अब गेम स्टार्ट करते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि बाइक कैसा है देखने में। तो चलें शुरू करते हैं। ये मोड इंस्टॉल हो गया, आपने क्लोज़ कर देना है। तो यहाँ से आपने गेम ओपन करनी है। तो फाइनली गाइस, गेम ओपन हो चुकी है, तो मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ। याद रखना है आपने कि आपने नाम जो है वो वही देना है इसके ऊपर, जो आपने जो मोड पर लिखा हुआ होगा। आपको वो भी दोबारा सिखा देता हूँ, ये पहले चेक कर लेते हैं। व्हीकल स्पॉनर, इस पर आके BS17, ये नाम था भाई मोटरसाइकिल का। तो ये आ गया, तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स बाइक कैसे है। रिमेंबर आपने एड ऑन ही मोड करना है, रिप्लेस करेंगे उसकी क्वालिटी वगैरह वो अच्छी नहीं होगी इतनी, आपने एड ऑन करना है, उसकी क्वालिटी बड़ी बेहतरीन होती है। आप देख सकते हैं ये BMW का हैवी बाइक है, आप देख सकते हैं। मोड जो आपको इंस्टॉल करके दिखाया है वही बाइक है,
तो आपको मैं थोड़ी अपनी कलेक्शन भी दिखा देता हूँ कि मैंने मोड़ के थ्रू कौन कौन सी गाड़ियाँ की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है जी रेंज रोवर, आप देख सकते हैं, क्वालिटीज़ की चेक कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी है वो रिप्लेस से अच्छी होती है। 2008 मॉडल है ये रेंज रोवर का। इसके अलावा लैंड रोवर डिफेंडर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिफेंडर है, देख सकते हैं, यह लैंड रोवर डिफेंडर 90 मॉडल। तो ये आप देख सकते हैं, इसके भी स्टॉक जो व्हील है वो आप यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। मेन्यू कस्टम, ये भी यहाँ पे स्टॉक व्हील्स होंगे जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो यहाँ पे आपने जहाँ स्ट्रोक पे टिक कर देनी है तो गाड़ी के जो व्हील है वो स्ट्रोक हो जाएंगे। ये दो गाड़ियाँ, मैं आपको एक और गाड़ी भी दिखाता हूँ जो फास्ट एंड फ्यूरियस में भी आती है, वो भी मैंने मोड़ के थ्रू की है। इसके अंदर स्टॉक करके दिखाता हूँ आपने मैनिफेस्टो में जाकर भी स्टॉक, ये स्टॉक व्हील्स हो गए इसके, तो ये गाड़ी आप चेक कर सकते हैं। के भी स्टॉक जो है वो व्हील वगैरह मैं आपको चेक करवाता हूँ। आप चेक कर सकते हैं इसके भी स्टॉक हो चुके हैं। इसके अलावा एक मिट्सुबिशी लांसर एवोल्यूशन जो है 10, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पॉइलर वगैरह लग गया इसका, या ये किट वगैरह फ्रंट किट है इसकी, ये आप देख सकते हैं। तो ये किट है इसकी, ये नंबर प्लेट है इसकी फ्रंट पे, मुकम्मल मॉडिफाइड हो गई है। ये गाड़ी एवोल्यूशन जो बेबी ड्राइवर है ना मूवी में आता है मेरे ख्याल में, ये यूज़ कर रहा होता है आई थिंक। ये आप देख सकते हैं मित्सुबिशी लांसर रेवोल्यूशन 10, 2016 मॉडल है। ये मेरी कुछ कलेक्शंस हैं, अभी मैंने इतने ज़्यादा मोड वगैरह नहीं किए क्योंकि गेम जो थी वो क्रैश हो गई थी, मैंने दोबारा की है। तो फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि मोड कैसे करते हैं यहाँ से। तो सिंपल सी चीज़ होती है, इतनी कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको लोग चकमा दे रहे होते हैं, सीधी सी बात होती है कि डाउनलोड पे आपकी फ़ाइल मतलब आ गई है, ठीक है, आपने एक्सट्रैक्ट करनी है, डेस्कटॉप पे आ जाएगी। जैसे कि ये मैंने अब आपको दिखाया है BMW करके, तो ये वाली फ़ाइल जो है ये करनी होती है X64 पे जाके,
डीएलसी पैक पे जाके आपने ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, इसका कुछ भी नहीं करना होता, इसे ऐसे नहीं छेड़ना आपने। रीडमी पे जाके आपने ये वाली चीज़ होती है ना, ये वाली इसको आपने सिर्फ कॉपी यहाँ से करना है, और ओपन आईवी ओपन करके मोड्स में जाके आपने जो है अपडेट x64 पे फिर आपने नहीं जाना, अपडेट पे जाके आपने जो है डीएलसी लिस्ट एक्सएमएल एडिट करना है, वहाँ पे जाके उसको डायरेक्ट जो है ओपन नहीं करना आपने, तो आपकी जो है नीचे आपने पेस्ट कर देना है इसको। ये चीज़ आपको मैंने पहले बताई है। तो जब आपने गेम ओपन करनी है तो फेवरेट में जाके ऐड योर फेवरेट व्हीकल, तो आपने ये वाला नाम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये वाला नाम, आप इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर कि यही रहने दें। तो ये वाला आप नाम लिखेंगे तो आपकी जो मतलब जो मोड होगा वो आ जाएगा अपने आपके सामने। जैसे हैवी बाइक मैंने BMW का किया है, BS17 मैंने लिखा है, तो वो आ गया सामने। तो ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं, आपको समझने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, मतलब आप एक दो दफ़ा मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाना है इसका, तो बिल्कुल आसान तरीका है ये। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें इसको। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।